हमारे पास भी एक ग्रंथ है, ब्रज के संत। ये ब्रज के संत जो श्री हरिनाम प्रेस से छपा हुआ है, सहज में उपलब्ध है। इसमें 200-300 पुराने संतों के चरित्र हैं। महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, केशव भारती, ईश्वरपुरी और महाप्रभु जी के परिकर, महाप्रभु जी के संप्रदाय में, परंपरा में जो भी संत हुए, उन सब का चरित्र है। इसकी बहुत डिमांड रहती है ग्रंथ की, और ये सहज में उपलब्ध है। आप इसको हरिनाम प्रेस से मंगा सकते हैं और इसमें अध्ययन कर सकते हैं। पीछे जितने भी संत हुए हैं सबका प्रामाणिक विवरण इसमें है, और यह आपको आनंद भी दे सकता है, संतों का परिचय भी दे सकता है। अगली जिज्ञासा है, दिल्ली से है मीना जी की। ये कह रही है कि हमने एक संत में हमारी श्रद्धा हुई, हमने उनसे दीक्षा की बात करी, तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कृष्णम वंदे जगतगुरु, उनके जो गुरुदेव हैं वह कृष्ण भगवान हैं। तो हमने कहीं पढ़ा था कि जिनके भगवान श्री कृष्ण हो उनसे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा था। और ऐसा एक ये भी सुना है कि जिनके जिन्होंने किसी से दीक्षा नहीं ली है हमें उनसे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो ये बात समाधान करें, क्या हम उनसे दीक्षा ले सकते हैं या नहीं? ये बात ठीक है, जो स्वयं दीक्षित नहीं है उनको किसी भी जीव को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, यह शास्त्र का सिद्धांत है। लेकिन आजकल सब चल रहा है, आजकल तो राम मंत्र की दीक्षा लिए हुए संत गोपाल मंत्र की दीक्षा दे रहे हैं, जो मेरे तो समझ में नहीं आता। जो मंत्र हमें दीक्षा से मिला हुआ है, केवल और केवल हम उसी मंत्र की दीक्षा दे सकते हैं, मुझे इतना पता है। और कृष्णम वंदे जगद्गुरु उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक गुरुदेव प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनको अभी तक दीक्षा नहीं मिली है, उन्हें ये चाहिए कि वे शिक्षा गुरु या संत या वैष्णव या यूट्यूब पर सुन के या ग्रंथ पढ़ के कृष्ण को ही अपना गुरु माने। और क्योंकि कृष्ण जगद्गुरु हैं, कृष्ण को जगद्गुरु माने, कृष्ण को ही अपना गुरु माने, और कृष्ण से ये प्रार्थना करते रहें, हे कृष्ण, हे मेरे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें, मुझ में ऐसी योग्यता प्राप्त करें कि मुझे एक गुरुदेव प्राप्त हो जाए। जीवों के लिए, जीव कोटि के व्यक्तिगत संत से दीक्षा लेना अनिवार्य है। स्वप्न की दीक्षा, हमें राधा रानी ने दीक्षा दी स्वप्न में, हमें किसी संत ने स्वप्न में दीक्षा दी, हमें राधा रमन जी ने दीक्षा दी, यह बिल्कुल भी वैलिड नहीं है शास्त्रीय रीति से। फिर मनमाना आचरण जिसको करना है वो करे, कोई मना नहीं है, लेकिन दीक्षा एक गुरुदेव से लेनी ही होगी। देर में लीजिए, अपने आप में कैपेसिटी पैदा कीजिए कि आपको गुरुदेव प्राप्त हो, तो आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम है तो फिर तो आपके उन संत के भी कृष्ण जगद्गुरु हैं, आपके भी हो जाएंगे, फिर उनको क्यों बीच में बना रहे हैं? जब उस संत ने अपना किसी को गुरु नहीं बनाया तो उसे गुरु बनने का अधिकार किसने दिया? उसे भी गुरु बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए सावधान रही है, आजकल अध्यात्म पथ में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, विपरीतताएं हैं। सावधान से सोच के, समझ के, सबको देख के तब आप गुरु धारण कीजिए, नहीं तो गुरु धारण भी आजकल मजाक होता चला जा रहा है। एक गुरुदेव से दीक्षा ली, साल 6 महीने उनसे मन नहीं मिला, दूसरे गुरुदेव से ले ली, फिर तीसरे गुरुदेव से ले ली,
और गुरुदेव भी ऐसे पैदा हो गए आजकल के समय में कि वो दीक्षित व्यक्ति को भी दीक्षा देते चले जा रहे हैं। ना उनको अपने हित का ध्यान है, ना उनको शिष्य के हित का ध्यान है, उन्हें तो बस एक ही ध्यान है कि हमारे 2,500 हो गए भैया, हमारे 2,600 शिष्य हो गए, हमारे अब 3,000 होने वाले हैं। जैसे हम YouTube के व्यूज को देखते रहते हैं, वैसे भी अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने में कुछ भी करते चले जाते हैं। आप सावधान होइए, शास्त्र के अनुसार चलिए। जय श्री राधे, जय निताय। अगली जिज्ञासा है संजय पालीवाल जी की। प्रभु जी, एक जिज्ञासा है कि धामवास में रहने की बात तो जो संत जन करते हैं वो श्री वृंदावन ही है केवल, या उसमें बरसाना, गोवर्धन, राधा कुंड या अन्य ब्रज स्थान भी आते हैं? दूसरा, क्या धाम में अपने नाम से जमीन संपत्ति लेनी चाहिए या नहीं? अपने नाम से जमीन लेनी चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि धाम में आपकी जमीन हो गई तो एक प्रकार से आपका उस जमीन से लगाव हो जाएगा। उस जमीन की देखरेख करने, उस जमीन को बनाने, उसको मेंटेन करने आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे। शुरुआत यहीं से कर देनी चाहिए कि आप अभी नहीं आ पा रहे हैं तो आप एक फ्लैट लेके डाल दीजिए, आप थोड़ी सी जमीन लेके डाल दीजिए, ये आवश्यक है, मनाही तो बिल्कुल ही नहीं है। रही बात धाम, जी हाँ, धाम में ये पूरा ब्रज धाम आता है, जिसमें वृंदावन भी आता है, गोवर्धन भी आता है, राधा कुंड भी आता है, बरसाना भी आता है, और दूसरे दूसरे ब्रज के रनवारी भी आता है, उमराई भी आता है। ब्रज के छोटे छोटे बहुत अनेक धाम, अनेक गांव हैं जहां पर आज विशुद्ध संत एकांतिक भजन कर रहे हैं, भिक्षा कर रहे हैं, गांवों से माधुकरी करके जीवन यापन करते हुए भजन में लगे हुए हैं। ये पूरा 84 कोस ही ब्रज धाम है, कहीं भी आप रह सकते हैं, आपका धाम वास ही माना जाएगा। जय श्री राधे, जय निताई। अगली जिज्ञासा है आकाश गुप्ता जी की, एज 30, अलवर से हैं। मुझे गौड़ीय फिलोसफी और उपासना पद्धति के बारे में ज़्यादा जानना है, तो कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए? एक मैया की और जिज्ञासा आई है, वो इनसे मिलती जुलती है। वो भी ये पूछना चाह रही है कि मैं अभी नई हूँ भजन भक्ति में और एज उनकी 36 है। वो कह रही मुझे गौड़ीय संप्रदाय से लगाव है, तो गौड़ी संप्रदाय के जो मुझे लगाव है तो उसके लिए मैं कौन से ग्रंथ पढ़ूं? गौड़ीय संप्रदाय का एक सबसे पूर्ण संपूर्ण ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, लेकिन आप दोनों की आयु बहुत कम है, बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, भजन आपने नहीं किया होगा, मैं अनुमान से कह रहा हूं, मेरी बात गलत भी हो सकती है, तो वो अभी आपको समझ नहीं आएगा। उसके लिए चैतन्य चरितामृत के आधार पर ही हरिनाम प्रेस से बहुत सारे ग्रंथ छपे हुए हैं, जैसे साध्य साधन निर्णय छपा हुआ है, माधुर्य कादम्बिनी छपी हुई है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु छपा हुआ है, और छोटे छोटे अनेक ब्रज के संत छपे हुए हैं, ब्रज की तुलसी छपी हुई है, ब्रज की भक्ति छपी हुई है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको धीरे धीरे आप पढ़ें। महाप्रभु जी का जीवन चरित्र का ग्रंथ है चैतन्य प्रेम सागर, आप उसको पढ़ें, संतों के चरित्र पढ़ें, और धीरे धीरे ये तो ऐसे मैं क्या बताऊं, ये तो आप मिलें, आप बताएं, अपना स्तर बताएं, आपसे बात हो, तब आपको मैं दो ग्रंथ बताऊं, फिर आप उन दो ग्रंथों को पढ़ें, फिर मैं अगली क्लास के दो ग्रंथ बताऊं, फिर अगली क्लास के दो ग्रंथ बताऊं, फिर आपकी रुचि के ग्रंथ बताऊं। साल, 2 साल, 3 साल, छोटे छोटे ये ग्रंथ पढ़ने के बाद फिर जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आने लगेगा। और चैतन्य चरितामृत भी एक बार समझ नहीं आएगा, करीब 2-2,500 पेज का ग्रंथ है, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार आप पढ़ेंगे तब आपको चैतन्य और गौड़ीय फिलोसफी समझ आ जाएगी, और जब एक बार समझ आ जाएगी तो फिर आपका कल्याण ही कल्याण है। लेकिन इन सब कामों में 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, आप एक ग्रेजुएशन करने में 22 साल लगा देते हैं,
तो गौड़ीय फिलॉसफी को समझने के लिए भी आप 10 साल का समय, 5 साल का समय, 8 साल का समय, 15 साल का समय हाथ में लेके चले, हथेली पर सरसों नहीं उगाए, 2 दिन में कुछ नहीं होगा। गुरुदेव की कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, कोई शास्त्र कृपा हो जाए, पूर्व जन्म की आपकी स्वीकृति हो। एक बालक है मेरे पास शिव चैतन्य दास, वह भी 14 वर्ष का है, उसको लगभग लगभग 80% गौड़ीय फिलॉसफी समझ आ गई है और वो छोटे मोटे ग्रंथ पढ़ता है, बहुत अच्छी तरह समझ जाता है। तो ऐसा कोई चमत्कार हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ समय लगता है। मुझे भी आप देखिए कि 60 साल 65 साल का व्यक्ति हूँ, 20 साल हो गए ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते समझते समझते, और अभी भी ज्ञान अधूरा का अधूरा ही है। ऐसा लगता है कि कुछ प्राप्त हुआ नहीं, काफी कुछ प्राप्त होना है, जीवन में बहुत कुछ सीखना है। तो ये आप एक किसी को पहले अपना शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु, अपना कोई गाइड निश्चित करिए और उसके आदेशानुसार धीरे धीरे एक एक दो दो चार चार ग्रंथ लेते जाइए, पढ़ते जाइए, उसमें से पूछते जाइए और फिर आगे बढ़ते जाइए। जय श्री राधे, जय निताय। Thank you.